कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला रविवार को इंद्री में पहुंचे और कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे डॉक्टरों और पत्रकारों को सम्मानित किया। इंद्री अनाज मंडी में ओम प्रकाश मडान की दुकान पर पहुंचे रणदीप सिंह सुरजेवाला का कांग्रेसी नेता नार सिंह संधु के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाकर कई सवाल खड़े किए। पत्रकार वार्ता के बाद सुरजेवाला अपने समर्थकों के साथ इंद्री के विभिन्न अस्पतालों में पहुंचे और डॉक्टरों को पीपी किट व अन्य सामान देकर सम्मानित किया। उन्होंने जरूरत पड़ने पर और मदद का भरोसा दिलाया। इंद्री में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने कांग्रेस के इस कदम को डॉक्टरों का उत्साह बढ़ाने वाला कदम बताया है। भाजपा जजपा के लिए कोरोना महामारी आपदा में लूट का अवसर बन गया है और कांग्रेस पार्टी के लिए ये सेवा का संकल्प है, समर्पण का संकल्प है। अब तो कोरोना महामारी गांव और कस्बों तक फैल गई है, पर खट्टर सरकार की क्या तैयारी है? सरकारी आंकड़े झूठे हैं, अखबार के और टेलीविजन के साथियों से ज़्यादा चश्मदीद गवाह कोई नहीं। करनाल हो या कुरुक्षेत्र हो, कैथल हो या जींद हो, अंबाला हो या यमुनानगर हो या बाकी हरियाणा हो, कोई ऐसा गांव अछूता नहीं रहा, कोई ऐसा छोटा छोटा इंद्री जैसा कस्बा अछूता नहीं रहा जहां पर कोरोना महामारी की मार से 2, 3, 4, 5 या उससे भी ज़्यादा मृत्यु ना हुई हो। हरियाणा में कई तो ऐसे गांव हैं, टिटोली रोहतक जैसे, जहां 70, 70, 80, 80, 82, 82 मृत्यु हो चुकी। सरकार का आंकड़ा भी अगर आप मान लें आज का, तो 7.5 लाख को कोरोना का संक्रमण छू रहा है और हमारे प्रदेश में 8,000 से ज़्यादा लोगों की सरकारी आंकड़े के मुताबिक मौत हो चुकी, जबकि असल में ये और भी ज़्यादा है। पर ना कहीं सरकार है ना शासन है, और भाजपा जजपा सरकार के हुक्मरान प्रदेश की जिम्मेवारी से अपना पीछा छुड़वाकर पीठ दिखाकर भाग गए। पूरे प्रदेश में खट्टर सरकार की गुमशुदगी के पर्चे लगे। जब कोई कोरोना महामारी में तड़प रहा था और पुकार रहा था, मदद मांग रहा था, तो उनके रिश्तेदारों को, तड़पते हुए व्यक्तियों के रिश्तेदारों को मुख्यमंत्री कहते हैं शोर मत मचाओ, शोर मचाने से मरने वाला नहीं आ जाएगा। खट्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं, कोरोना महामारी से ग्रस्त हरियाणा की जनता शोर ना मचाए तो अंधी बहरी सरकार के कान में आवाज़ पड़ेगी कैसे? और जो छोटे मुख्यमंत्री हैं, जो कहते थे कि मैं यमुना पार करवा दूंगा खट्टर साहब को, और खट्टर साहब उन्हें जेल भेजा करते थे वोट लेने से पहले, और अब दोनों का गठजोड़ है, दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब का, वो हेलीकॉप्टर में ही घूम रहे हैं, वो ज़मीन पर उतरते ही नहीं। तो भाजपा ही खा रहे हैं सत्ता का मेवा और कांग्रेस पार्टी कर रही है जनता की सेवा, सच्चाई यही है। हरियाणा प्रदेश में जो विकराल रूप धारण कर लिया है महामारी ने, इसको लेकर हमारे कुछ सवाल मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से भी और उनके दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला से भी। पहला सवाल, हरियाणा में अब ब्लैक फंगस एक विकराल बीमारी का रूप धारण कर चुकी है जो कोरोना से सीधे जुड़ी है। ब्लैक फंगस कोरोना बीमारी का एक साइड इफेक्ट है, परंतु आज 15 दिन से हरियाणा में ब्लैक फंगस की दवा नहीं। 15 दिन हो गए, मेडिकल कॉलेजों के अंदर ब्लैक फंगस की दवा खत्म है। मैं और आप ये दोनों जानते हैं, हम सब 4 डोज एक दिन में ब्लैक फंगस के लगते हैं, परंतु खट्टर सरकार ने एक नया आदेश जारी कर दिया, बोले हमारे पास दवाई कम है इसलिए हम 2 ही देंगे। माफ कीजिए, आपको बुखार हो जाए, आपको पैरासीटामोल की 3 गोलियों की ज़रूरत हो, खट्टर साहब कहेंगे मैं तो आधी गोली दूंगा, बुखार उतरना चाहिए, कैसे उतरेगा भैया? आपको भूख लगी है, आपको 4 रोटी खानी है, आपको कहें 1 टुकड़ा रोटी का खा ले उससे तेरा पेट भर जाना चाहिए, ये कैसे संभव होगा? ये ब्लैक फंगस की जो महामारी
फैली हुई है जिसकी दवा नहीं दे रही सरकार, इसके लिए कौन जुम्मेवार है? पर आज ब्लैक में आप चलिए, ब्लैक में लाखों हजारों रुपए के अंदर ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध है। हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन कब मिलेगी? अभी तक तो हरियाणा में 3 या 4-5% लोगों को वैक्सीन लग पाई है दोनों डोज, तो पूरे के पूरे डोज कब तक लगेंगे खट्टर साहब बताएं, ताकि लोगों की सुरक्षा हो। खेती करनी है, दुकान खोलनी है, मजदूरी करनी है, नौकरी करनी है, पत्रकारिता भी एक काम है महत्वपूर्ण, कैसे लोग फिर जिएंगे? और आखिरी ये है कि जीवन रक्षक दवाएं गुल, ब्लैक फंगस की दवा गुल और शराब की सप्लाई फुल। आंकड़े छुपाना एक अपराध है, क्योंकि जब तक आपके घर में मुसीबत आए आप आंख नहीं बंद करके बैठ सकते। बिल्ली को देख के कबूतर को आंख नहीं बंद करनी चाहिए, आपको सामना करना है, आपको इलाज करना है, आपको दवाई देनी है, आपको ऑक्सीजन देनी है, आपको वेंटिलेटर देना है, आईसीयू बेड देना है। आप ये दे नहीं पा रहे, इसलिए आप केवल मौत के आंकड़े कम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने उस महान हरियाणा की बेटी, जिसने पूरी दुनिया में नहीं क्या पूरे ब्रह्मांड में हमारा नाम रोशन किया, उसके नाम से बनाए हुए अस्पताल को भी करनाल और पूरे हरियाणा, मैं क्यों करनाल अकेला कहूँ, पानीपत से लेकर यमुनानगर तक का आदमी और इधर जींद तक का, हिसार तक का आदमी यहाँ आ सकता है, हम सबको इन सुविधाओं से वंचित कर दिया। मैं केवल एक बात कहूँगा, डॉक्टर भगवान तो नहीं, पर कोरोना महामारी में डॉक्टर भगवान से कम भी नहीं। भगवान के बाद अगर दूसरा भगवान कोई धरती पर है आज के दिन, तो वो डॉक्टर है। और कितने डॉक्टर मर गए, कितनी हमारी नर्स बहनें मर गई, कितना हमारा क्लास 4 पैरामेडिकल स्टाफ मर गया। वो उनको तो कोरोना नहीं था ना, वो तो हमारे परिवार के किसी प्रियजन की सेवा कर रहे थे, उसका इलाज कर रहे थे। कोरोना महामारी के बीच ईश्वर के इन दूत डॉक्टर साहेबान को प्रताड़ित करना, अपमानित करना भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी अनुचित है और बाबा रामदेव द्वारा। तो किसान आंदोलन चल रहा है बहुत, किसान आंदोलन में तो आपकी पार्टी पर भी बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख के आप लोग चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगा है, क्या कहना चाहते हैं? ये मैं खुद भी एक किसान हूँ और किसान के साथ हूँ और किसान के साथ रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो मुझे हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर ले। अगर किसान के साथ खड़े होना षड्यंत्र है तो हम ये षड्यंत्र बार बार करेंगे। अगर किसान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना अपराध है तो मैं ये अपराध और कांग्रेस के लोग ये अपराध लाखों बार करेंगे। अगर किसान, जिसकी वजह से हम सबका पेट भरता है, अगर वो किसान आज जिंदगी की सिसकियां ले रहा है और सरकार के कानों तक आवाज़ डालना अब एक क्राइम है, तो इस क्राइम को हर व्यक्ति को बार बार करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, कोविड के दौरान बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, बहुत सारे पॉलिटिकल संस्थाएं विभिन्न अस्पतालों को अलग अलग तरह से कोविड के अंदर जो हमारा काम आने वाला सामान है डोनेट कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे पास कल भी, जैसे आपको पता है कि कई संस्थानों ने डोनेशन किए, आज जो इनके नेशनल स्पोक्समैन है श्री रणदीप सुरजेवाला जी, उन्होंने आकर यहाँ हमारे को प्रोत्साहन भी किया है और हमारे को ये किट्स दी जिनके लिए हमें डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। और ये कोरोना काल में जब हमारे स्पिरिट्स को इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, जब भी हमें कोई पब्लिक इंकरेज करती है और ऐसे अच्छे शब्द हमारे मेडिकल प्रोफेशन के लिए, डॉक्टर्स के लिए बोले जाते हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत उससे प्रसन्न होते हैं। हमारा उत्साह इस बीमारी से लड़ने का कई गुना बढ़ जाता है और हम सभी, जितने भी चाहे ऑपोजिशन हो चाहे पार्टी हो, सभी ने हमारे को इस कोरोना काल में बहुत हमारा सहयोग दिया। देखो, विवाद का जो कारण है वो मैं उसके बारे में डायरेक्टली कमेंट करने की बजाय, बीमारी बड़ी है उसमें दोनों का सहयोग ज़रूरी है। सभी प्रकार की जो पद्धतियां हैं, आयुर्वेद के कुछ स्ट्रेंथ हैं, कुछ एलोपैथी की स्ट्रेंथ है। आयुर्वेदिक जो हमारी मेडिसिन हैं उसके अंदर इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, आंवला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम, मैं खुद भी उनका सेवन करता हूं क्योंकि वो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से बनती है। उस तक, जहां तक वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, हम मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूं।
उसके अलावा अगर कोई ऐसी जो गंभीर बीमारी होती है जिसके अंदर हमें एलोपैथी की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, एंटीवायरल्स की ज़रूरत है, इन सब में हमारी एलोपैथी अगर मदद कर सकती है तो अल्टीमेटली हमें मरीज का बेनिफिट सोचना चाहिए। एलोपैथी जो भी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, जो भी हो, सबको मिलकर इस बीमारी से लड़ना है, मेरी यही सोच। इन परिस्थितियों में डॉक्टर्स की मान मर्यादा का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, ये मैं आपके माध्यम से सभी पब्लिक को अपील करना चाहूँगा। कोरोना बहुत गंभीर बीमारी है, सीरियस बीमारी है, मोर्टैलिटी रेट भी इसमें है। जो ग्रस्त व्यक्ति है उसकी कई बार इलाज के दौरान हमारी मेहनत के बावजूद भी मौत हो जाती है, तो हम हर किसी को शायद चाहकर भी नहीं बचा सकते, जो हमारे पास बेस्ट सुविधाएं देकर भी नहीं बचा सकते।